हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान, दवाइज में आप सभी का स्वागत है। हम हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऑफर्स, कुछ ना कुछ डील्स, जो अच्छी डील्स है हमारे ऑफर्स के हमारे व्यूवर्स के लिए, ये लेके आते रहते हैं। जिससे कि भिवंडी शहर में कुछ नया आया है, कुछ अपकमिंग्स है, तो ये सब हमारे व्यूवर्स को पता चलता है। और आज हम ऐसे ही हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत ही अनोखी चीज़, बहुत ही खास चीज़ लेकर आए हैं। हम खड़े हैं भिवंडी के आज भी कल्याण रोड पर। आज भी मस्जिद है मेरे लेफ्ट में, और सॉरी मेरे राइट में आज भी मस्जिद है। और आज भी मस्जिद को लग के ही ये चार माले का शोरूम है वुड डेकोर। और यहाँ पे फर्नीचर सिर्फ मिलते ही नहीं है, यहाँ पे बनते भी है। इनका पूरा यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो यहाँ पे ये लोग मैन्युफैक्चर भी करते हैं फर्नीचर्स को, और साथ साथ में इनका एक रिटेल शोरूम भी है। तो देखते हैं कि क्या कुछ खास बात है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो डिज़ाइंस, यहाँ की जो रेट्स है, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, तो आपको एक बार ज़रूर यहाँ पे आके देखना चाहिए। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि क्या है वुड डेकोर में, आइए देखते हैं। और ये जो फर्नीचर नज़र आ रहा है, ये देखिए आपके काफ़ी शानदार फर्नीचर है। और ये सनमाइका नहीं दिख रहा है, ये तो कुछ और ही लग रहा है। आतिफ भाई, ये क्या है? मतलब इसकी शाइनिंग अलग है और ये सनमाइका नहीं लग रहा है। ये ड्यूको पेंट बोलते हैं इसको। ये ड्यूको पेंट में बना हुआ सेट है, ये इम्पोर्टेड है, बाहर का आया हुआ है। ये पूरा मतलब ड्यूको पेंट मारा हुआ है इसके ऊपर। ये आपको बाहर भी कहीं बहुत रेयरली मिलेगा। ये अपने पास अवेलेबल है, उसके ऊपर हम लोग ने अच्छा ऑफर भी रखा हुआ है। ₹700 का ये पूरा सेट होता है, जिसके अंदर आपको 5 डोर वार्डरोब, एक 6x6.5 का पलंग, साइड टेबल और मैट्रेस आएगा। इसका एक्चुअल कीमत है 1,40,000, बट अभी हम लोगों ने इसको ऑफर में ओनली जस्ट 90,000 में रखा हुआ है। 90,000। अच्छा, आधा हाइड्रोलिक है, आधा मैनुअल है। 100% मिलेगा आपको। तो ये कौन सा पेंट बोला आपने? ड्यूको पेंट। जो ड्यूको पेंट है, तो इसके ऊपर कुछ तो कोई मटेरियल होगा, किसी के ऊपर तो मारा होगा ना ड्यूको पेंट? पूरा एमडीएफ में बना हुआ है। एमडीएफ में? यस 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 यस। इसकी वारंटी? इसकी इंपोर्टेड फर्नीचर की वारंटी। इंपोर्टेड फर्नीचर की वारंटी, लेकिन चलता तो चलता है, क्योंकि बाहर देशों में पूरा काम एमडीएफ में ही होता है। अच्छा, तो इस वजह से कोई इशू नहीं है। हाँ, इसकी खूबसूरती तो देखते ही बन रही है, लाजवाब है। और ये जो मैट्रेस है, ये भी आप साथ में दे रहे हो, तो ये मैट्रेस कौन सा है? ये मैट्रेस है, फोम का है, इसके अंदर मतलब पीयू फोम से बना हुआ मैट्रेस है। अच्छा अच्छा, बॉन्डेड है इसमें? नहीं, इसके अंदर बॉन्डेड नहीं है। ठीक है। और ये जो कबाट वगैरह है, ये क्या इसका साइज है? ये जो ये 7x6.5 है। हाँ, और इसका डेप्थ है 2 फीट का, और इसके अंदर भी आप हमको 28 डेज दोगे, तो इसके अंदर भी कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, हम आपके साइज में बनाकर दे सकते हैं। तो थोड़ा ये मेरे को पूछना था कि इसके अंदर, जैसे कि अगर कोई घर में फर्नीचर बनाते हैं, तो वहाँ पे मिस्त्री लोग आके काम करते, तो ऐसे ही आप लोगों की भी मिस्त्री आके वहाँ पे घर पे बनाते हैं? हम लोग का ये ड्यूको है, ये इम्पोर्टेड है, हम साइज लेकर जाएंगे और आपको 28 दिन के बाद लाकर खाली फिटिंग करने का काम कर देंगे। अच्छा। उसके अलावा जो हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, वो इस तरह का प्लाईवुड का फर्नीचर है। अच्छा, प्लाईवुड का भी काम करते हैं आप? हमारा मेजर काम प्लाईवुड का ही है। हाँ, आप वॉटर देख रहे हैं, इसका प्लाईवुड में ही बने हैं। अच्छा, इसमें आप देखोगे इसे पीछे हम लोगों ने सरमाइका नहीं लगाया हुआ है, रेमिट नहीं लगाया, ताकि प्लाई आपको दिखे। अच्छा, ये प्लाई? हाँ, इसका जो मिस्त्री घर में आके बनाता है, वो क्वालिटी का ये माल है। 7x7 का वार्डरोब है। हाँ। इसके अंदर भी कम से कम 1000 लेमिनेट अवेलेबल है, आप जो बोलोगे आपको लेमिनेट लगा कर दे दिया जाएगा। इसके अंदर मतलब आपको इसका हाइट भी 7 फीट रखा है, तो ज्यादातर 8 फीट का ही हाइट होता है घरों में, तो 2 फीट का बाद में लॉफ्ट लेना पड़ता है। हाँ। तो उसको लॉफ्ट लेने की वजह 7 फीट का बना के रखा है, 1 फीट की जगह जान बच के छोड़ी गई है, ताकि कभी टाकी वगैरह रहती है तो खुलने बंद करने में तकलीफ आती है, तो उसको स्टैंडर्ड साइज जो है 7x7 का बना कर दिया है। 7x7। हाँ, बट कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, आप जो भी बोलोगे, जो साइज में बोलोगे, कम करने का, ज्यादा करने का, सब पॉसिबल है। अच्छा, तो ये प्लाई में है, तो इसकी तो फिर अच्छी लाइफ होगी। हाँ, इसकी मतलब ये जो घर में मिस्त्री आके बनाता है, जैसे लाइफ टाइम चलता है। हाँ, ये वैसे ही चलेगा, बट अच्छा, पेपर पर हम इसकी आपको 5 साल की वारंटी देंगे। अच्छा,
मतलब कुछ भी अगर इंस्टॉलेशन के टाइम पे ऐसे भी कुछ हो तो हम सर्विस करके बना कर दे देंगे उसको। अच्छा, तो ये जो है ये क्या इसको ये भी सनमाइका का है कि ये ड्यूको पेंट है? लेमिनेट है ये। लेमिनेट। अच्छा। एक बात मुझे पूछना था कि जैसे कि अभी घर पे मिस्त्री आते हैं तो 2-3 महीना ले लेते हैं, तो आप जो ये प्लाईवुड का जो है काम, तो ये कितने दिन में करते हैं? हम लोग मैक्सिमम 20 दिन में करके दे देते हैं आपको। 20 दिन? हाँ, अगर आपको खाली वार्डरोब और पलंग बनाना है तो 20 दिन में क्लियर कर देते हैं हम। अच्छा। और अगर किसी को स्टोरेज वगैरह जो होता है? हाँ, तो उसके हिसाब से मतलब जो मिस्त्री आकर 2.5 महीने से 3 महीने का काम लेगा वो हम लोग आपको 30-35 डेज में क्लियर करके दे देंगे। मतलब आधे से भी ज्यादा टाइम कम कर देंगे, कम कर देंगे। और कॉस्ट में इफेक्ट ये आता है? कॉस्ट में थोड़ा सा फर्क, मतलब जो मिस्त्री आएगा वो जो आपका रेट लेगा उनका जो रेट है वो अलग ही चलता है। हाँ, उनका मतलब स्क्वायर फीट का रेट अलग चलता है। हम तो एग्जैक्ट मतलब आपको जगह पे आप जो हम पसंद करोगे उसका कॉस्टिंग निकाल के आपको पहले दिन ही हम आपको एग्जैक्ट कॉस्ट दे देंगे। वो नहीं कि बाद में काम चलता है तो बोलते ये भी बढ़ गया, इसका पैसा ज़्यादा लगेगा। ये हमारे वहाँ कुछ नहीं होगा। हम अगर आप अपनी जबान पर रहे कि हाँ हमको यही साइज़ का चाहिए था, उतने साइज़ में हम लोग कोई चेंजेस नहीं करते हैं। लेमिनेट सनमाइका का कोई भी कलर का ले लो, कुछ भी चेंज कर दो, उसके अंदर रेट में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये बात एक बहुत मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी बात कही आदि बने कि सबसे पहले जो मिस्त्री घर का जो काम करते हैं इंटीरियर का, क्योंकि हमने भी 2-3 बार इसको फेस किया है, तो 2-3 महीना निकल जाता है। और उसके बाद में जब कॉस्टिंग की बात आती है तो कॉस्टिंग जब तय होता है और भी जब फाइनल काम होता है तो उसमें बहुत वास्ट डिफरेंस आ जाता है। तो ये चीज़ें से बचने के लिए और घर भी जो गंदा होता है रहने के लिए, अगर नया घर है पूरा खोखा लिया है तो अलग बात है कि उसमें कोई रहता नहीं, लेकिन अगर आपका चालू घर है और उसके अंदर आपने काम शुरू किया है तो फिर समझो आपका रहना दुश्वार है वहाँ पे। आदि भाई, ये सोफ़ा तो मतलब कुछ अलग ही दिख रहा है, तो ये क्या सेम ही है ये सारे डिज़ाइन? नहीं, ये अलग है। इसके अंदर ये सोफ़ा विद लाउंजर है, जिसके अंदर स्टोरेज दिया हुआ है, चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, डबल स्टोरेज है, यहाँ पर बोतल वगैरह रखने के लिए भी सुविधा है। हाँ। साथ में आपको लाउंजर में भी पूरी तरह से स्टोरेज मिल जाएगा जी। अरे वाह, तो ये L-shape में ये L-shape में है। इसके अंदर कैसा है कि आप इसके अंदर भी कलर ऑप्शन अवेलेबल है, इसके अंदर 100 से ज़्यादा कलर मिल जाएंगे आपको। ये क्या रेंज है आपका, क्या रेंज में ये टोटल जो ये 48,000 रुपीज़ का है। अच्छा, 48,000 का जी, 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। अच्छा, तो ये जो टी टेबल हम लोग जो देख रहे हैं, तो ये टी टेबल का जो डिज़ाइन है ये अलग लग रहा है, ये क्या ग्लास में है कि स्टोन है? ये मार्बल टॉप का है, ये भी सब इम्पोर्टेड है। जो भी सेंटर टेबल आप देख रहे हैं ये सब इम्पोर्टेड है। तो ये आप लोग बनाते हैं कि बाहर से? इम्पोर्टेड जो माल है वो हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। हाँ। नहीं, मतलब मेरा ये पूछना, बनाने का मतलब ये कि यहाँ पे आके असेंबल होता है कि डायरेक्ट पीस रखा? असेंबल करते हैं हम लोग। असेंबल करते हैं, ठीक है। ये सोफे की कुछ खास बात है कि ये एल शेप में सोफा है, इसके अंदर साथ में ये लूज एक पफी दिया हुआ है। हाँ। आपको पैर फैला कर जहाँ पर भी बैठना है वो हाँ इस तरफ चला जाएगा, उधर चला जाएगा जी जी जी। इसके साथ साथ आपको दोनों जो ये हैंडल है उसके अंदर आपको इस तरह के 4 स्टूल और मिलेंगे, दो इस तरफ दो उस तरफ। अच्छा ये 4 स्टूल ऐसे इसमें आते हैं? हाँ। तो मतलब ये और 4 लोगों के, 4 लोग के बैठने के लिए तो वाह। ये एक यूनिक चीज़ देखने को मिला हम लोगों को, ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ऐसा इसको देखा है कोई सोफे को। और उसको सबसे बड़ी बात ये है कि इसको एक्स्ट्रा रखना नहीं पड़ता है कि ये इधर ही स्टोरेज दे दिया है कि वो यहीं पे आके आराम से रह जाएगा, तो मतलब आपके घर की एक्स्ट्रा जगह भी यूज़ नहीं होगी। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों। ये इनका शोरूम था और हम थोड़ा सा इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखते हैं कि कहाँ पर सोफ़े बनते हैं और कहाँ पर फर्नीचर बनता है। तो आतिफ भाई, दिखाएंगे आप हमको ज़रा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? वाह, यहाँ पे तो यहाँ भी तो डिस्प्ले है काफ़ी। हाँ जी, बोलिए। कुछ प्रोडक्ट पर हम लोगों ने अभी ईयर एंडिंग सेल लगाया हुआ है। जो रखा हुआ एज इट इज़ प्रोडक्ट है वो उसी हालत में अगर आप लेते हो तो आपको ये अच्छे ऑफर में मिल जाएगा। इसके अंदर अगर आप कुछ कस्टमाइजेशन करते हैं तो रेट के अंदर फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब ये जो पीस है, मतलब एज इट इज़ जो रेडी पीस है आपके पास में, तो उसके ऊपर आप लोगों ने एक या तो स्टॉक क्लियरेंस भी बोल सकते हैं आप। तो ये जो 311 का सोफा, ये 30,000 के लगभग का था। स्वेट इम्पोर्टेड लेदर फैब्रिक लगा हुआ है इसके अंदर। इसको आप गीले कपड़े से पोंछोगे तो साफ हो जाएगा। अच्छा, ये 30,000 रुपये का आर्टिकल था, अभी हम लोगों ने इसको जस्ट 20,000 में कर दिया है। तो ये क्या है, ये भी कपड़ा ही है कि ये लेदर फैब्रिक है? ये है कपड़ा। इसके ऊपर लेदर का एक लेमिनेट किया हुआ है, तो आपको गीले कपड़े से आप पोंछोगे तो साफ हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये तो बहुत ही, इसका तो कलर ही एकदम पिंकी लग रहा है। वाह। ये क्या बोलते हैं, ये 3+2, इसका प्राइस था 32,000, जिसको अब हम लोगों ने डायरेक्टली 22,000 में कर दिया है। अच्छा, 32 का 22, मतलब सीधा 10,000 रुपये आपने कर दिया। हाँ सर, इसके ऊपर
तो ये भी वही फैब्रिक है? हाँ वही फैब्रिक है। अच्छा अच्छा, ये आप देखेंगे ये एल शेप का चेस्टरफील्ड सोफा जिसको बोलते हैं, हाँ इसका मार्केट वैल्यू 36,000, इसको हम लोगों ने 28,000 में कर दिया है। तो ये भी कॉम्बेड है कि नहीं? सोफा है बट हाँ, लेकिन हमारी खासियत ये है कि हम अपने हमारे हर डिज़ाइन को सोफ़ा कॉम्बेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम जो भी सोफ़ा पसंद करते हो, अगर हमको आप बोलते हो कि इसके अंदर सोफ़ा कॉम्बेड चाहिए, तो हम लोग उसके अंदर सोफ़ा कॉम्बेड बना कर दे देंगे आपको। थोड़ा बहुत जो मॉडिफिकेशन होगा वो होगा, बट सब कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। कस्टमाइजेशन इसका तो कलर, ये कलर कहाँ से लाते हो यार आप लोग इतना बेहतरीन बेहतरीन कलर? मतलब ऐसे सोफ़ा के अंदर तो हम लोग ने ऐसे कलर सच में नहीं देखा, मतलब ऑनेस्टली। ये भी आजकल कैसा है कि ये सब इंग्लिश कलर जो जाते हैं ना, लेडीज़ लोग को बहुत पसंद आता है, पिंक कलर हो गया, ये पीच कलर हो गया, उसकी वजह से आजकल ट्रेंड में है ये सब कलर। ये लेदर फैब्रिक है, इसके अंदर आजकल ट्रेंडी है, मतलब लाइट पिंक कलर, बेबी पिंक जिसको बोलते हैं, ये ग्रीन कलर, ये सब कलर आजकल बहुत उठ कर आता है। अच्छा, इस वजह से एकदम ब्राइट कलर है, ब्राइट कलर है। ये आप सोफा लाउंजर देखेंगे, ये 33,000 का लाउंज भाई, 6.5 साइज का सोफा कम्बेड है, सोफा विद लाउंजर है, इसको भी ऑफर में डायरेक्टली 25,000 कर दिया है। अदे भाई, हाँ ये क्या है थोड़ा सा बताइए? ये जो घरों में मिस्त्री आकर फर्नीचर बनाता है, ये वही फर्नीचर है, ये पूरा प्लाईबोर्ड में बनाया हुआ है, लैमिनेट लगा हुआ है, प्लाईबोर्ड में बना हुआ है, जो घर पर मिस्त्री बनाता है ये उसी टाइप का है। इसके अंदर आपको दिखना रहेगा तो ये सनमाइका देख लीजिए आप, इसके अंदर सनमाइका नहीं लगाया ताकि आपको समझ में आए कि ये प्लाई का बना है, कोई भूसे का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। ये इंडियन बेडरूम सेट है जिसका 5 साल का वारंटी आएगा। ये सेट आता था 1,30,000 रुपये का, अभी हम लोग ने रेडी सेल के हिसाब से इसको 1,00,000 रुपये में किया हुआ है। इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी? ये सेट में आपको एक कबाट, एक वार्डरोब और गादी आएगी। अच्छा, गादी भी आएगी? गादी पे। तो ये 1,00,000 रुपये? 1,00,000 रुपये में। अच्छा, ये सिर्फ अभी के लिए, ये रेंडिंग सेल के हिसाब से, ये 2-3 प्रोडक्ट जो उसके लिए। जी जी। तो दोस्तों, पहले जो दो सेक्शन हमने दिखाए आपको वो शोरूम थे, और अब यहाँ पे इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो भी हम बताएंगे कि ये जो इनका थर्ड सेक्शन है सेकंड फ्लोर पे, तो ये पूरा के पूरा सोफ़ा यूनिट है। सोफ़ा बनता है यहाँ पे? यहाँ पर सोफ़ा बनता है। जी जी जी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहीं पर बनाते हैं? ये जो लकड़ी, जो सोफ़े की जो लकड़ी फ्रेम वगैरह, वो भी आप लोग ही? सब पूरा। अच्छा दोस्तों देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे हर एक चीज़ खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करके ये लोग नीचे रिटेल काउंटर पे या रिटेल शोरूम में इसको लगा रहे हैं। तो आपको कस्टमाइज हर चीज़ जो आपके हिसाब से चाहिए, कलर चाहिए, साइज़ चाहिए, जिस तरह का आपको चाहिए, फैब्रिक कौन सा चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर बनवा सकते हैं। और भिवंडी के अंदर बहुत कम दुकानें, बहुत कम शोरूम्स ऐसे जो कि आपको इस तरह का कस्टमाइजेशन ऑफ़र करते हैं। आदि भाई, कब से आप कर रहे हैं? ये करीबन 2011 से कर रहे हैं। अच्छा, पहले हमारा हम लोग पहले मैन्युफैक्चरिंग का काम था सिर्फ। हाँ। और होलसेल करते थे, शोरूम सप्लाई था। अच्छा। बट अभी एक छोटा सा, मतलब 2 महीना पहले हम लोगों ने एक रिटेल आउटलेट डाला है। अच्छा। अभी भी होलसेल का काम अल्हम्दुलिल्लाह अपना चाहिए। पहले आपका होलसेल का ही काम, मेजर काम अपना होलसेल का ही है। अच्छा। अभी आप देखोगे कि बाहर का भी देखो, पैक करके पड़ा है, वो नासिक जाने वाला है, तो ज़्यादातर काम अपना बाहर का ही है। तो इसके अंदर किस तरह का एक्सपीरियंस है, मतलब जैसे 2 महीने से आपने डाला है, तो किस तरह का आपको एक्सपीरियंस है? नहीं, अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। मतलब कैसा है कि जो शोरूम में, दूसरे शोरूम में जाकर जो महंगा आइटम खरीदते थे, उनके लिए एक आसानी हो गई है। और इसके लिए पूछ रहा हूँ ना कि कस्टमर का क्या रिएक्शन रहता है, जैसे कि वो अगर कोई महंगे शोरूम में जा रहा है और वहाँ का दिख रहा है यहाँ का, तो क्या उनका रिएक्शन? दोनों सेम है, ऐसा कुछ वो नहीं कि मतलब महंगे शोरूम में। अभी कैसा है कि कुछ लोग अगर आते हैं तो पहली बार देखते हैं तो उनको शायद ज़्यादा लगता हो, लेकिन जब वो किसी दूसरे तीसरे शोरूम में जाके आते, विजिट करके आते हैं, फिर वो हम लोग से मतलब फिर कोई बार्गेनिंग नहीं करते हैं, डायरेक्टली वो टोकन देकर अपना ऑर्डर बुक कर लेते हैं कि हाँ, मतलब हमने मार्केट का विजिट किया, मार्केट का क्या रेट है, उनको आइडिया मिल जाता है। तो ये आप ऑनलाइन भी सेल करते हैं? नहीं नहीं, ऑनलाइन नहीं करते हैं, ऑनलाइन पर हम लोग वाया ऑनलाइन करते हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं करते हैं। डायरेक्टली आपका कोई प्लेटफॉर्म नहीं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा आदि भाई, तो हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ खास डिस्काउंट आते हैं? अभी आपके लिए ईयर एंडिंग का सेल का जो रखा है ना, आप इसको 18 दिन जो भी बचे हुए दिसंबर के, उसको आप अवेल कर सकते हो, एज इट इज़ करके भी दे देंगे। मतलब हमारे खास व्यूअर्स के लिए जो है स्पेशल ऑफर, जो ईयर एंडिंग ऑफर है, उसके ऊपर भी 5% का डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपको कि यहाँ पे जैसे कि जो भिवंडी वाले, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे आपकी दुकान के बारे में, कि क्या खास बात है? जैसे कि जो दूसरे, आपने एक तो रेट बताया, तो दूसरा जैसे कि कोई दूसरी जगह ना जाते हुए आपके पास में आए, तो इसके लिए क्या अपील करोगे? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई सा भी डिज़ाइन कहीं से भी, इंटरनेट से वगैरह कहीं से भी लेकर आओगे, हम उनको उसको बना कर देने का तरीका हमारे पास है, हमारे पास उतनी एबिलिटी है, तो हम वो करके दे सकते हैं आपको। नेट से लेकर आओ या कहीं आपने देखा है फ़ोटो वगैरह होगा, तो हम लोग बना कर देंगे। और मेरे जितने भी सोफ़ाज़ हैं, उसको उसके ऊपर जो फैब्रिक लगता है, रेगजीन लगता है, उसको छोड़ के बाकी सारे चीज़ों का 5 साल का वारंटी आएगा आपको। जी, जो यूजुअली लोग देते हैं।
अच्छा। और अगर शोरूम वाले देते भी हैं वो भी बोलते हैं, वो भी देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको जो सर्विस देने का काम है ना वो हम लोग ही देते हैं, मतलब क्योंकि वो हाँ वो तो एक रिटेलर होते हैं। बरोबर। अगर शोरूम के अंदर भी जो आप माल लेते हो, जो माल में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो सर्विस देने का काम हमारा ही होता है, क्योंकि उसने मेरे से खरीद के आपको दिया था। हाँ। तो इसलिए जो सर्विस का जो क्राइटेरिया आता है वो मुझको कहना है कि जो शोरूम में जो माल अवेलेबल रहते हैं वो आप लोग ही पहुंचाते हैं, मतलब हाँ हमारे मेरे जैसे बहुत सारे कारखाने वाले हैं जो बना के देते हैं, ऐसा है। दोस्तों ये था वुड डेकोर जो कि कल्याण रोड आज बीबी मस्जिद के बिल्कुल बाजू में है, और यहाँ पे एक बार ज़रूर अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो एक बार आप ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो डिज़ाइंस देखने के लिए मिलेंगे आपको, जो कलर्स देखने के लिए मिलेंगे, अमेजिंग, मतलब और उसके साथ साथ में जो इनके कॉम्पिटिटिव रेट से जो डिस्काउंटेड रेट जो है ये ऑफ़र कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए वो वाकई में अनमैच्ड है। तो भिवंडी के अंदर अगर आपको फ्रेश चीज़ें अगर कुछ चाहिए तो एक बार आपको यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए, और साथ ही साथ में इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।